हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया सिग्नेचर डिशेस। आज की एक इंटरेस्टिंग रेसिपी है केक की, लेकिन वो है इनोवेटिव पानीपुरी केक। सुन के चौंक गए होंगे ना? हाँ फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही इनोवेटिव और खुद ही में एक बहुत ही चटपटा टेस्ट वाला केक है। और ये हेल्दी है क्योंकि ये गेहूं के आटे का बना है और बहुत ही सॉफ्ट कट्स आते हैं इसके। यहाँ पे है केक के बेस के इंग्रेडिएंट्स, देख लीजिए। सबसे पहले केक के टिन को ऐसे ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी कीजिए। केक पे शुगर सिरप लगाने के लिए यहाँ पे लेंगे एक नींबू के साइज का इमली और 5 से 7 टेबलस्पून गुड़, और इसको पानी में सोक करके रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। इमली और गुड़ दोनों को अभी निचोड़ के अच्छी तरह से एक करके लिया है। इसमें डालेंगे चाट मसाला या पानी पूरी का मसाला 1-2 पिंच और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। अभी एक बोल में लेंगे दही, और ये दही ऐसा होना चाहिए कि जो हम दूध उबालते हैं उस पे जो क्रीम आती है उसके समेत हमें दही जमाना है, क्योंकि इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क वाला। दही को अच्छी तरह से फेंट के लिया है, अभी उसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और इसको भी अच्छी तरह से घुल जाने तक बीट करेंगे। अभी डालेंगे इसमें अनफ्लेवर्ड ऑयल 1/4 कप और बीट करेंगे। मिश्रण हो गया है अच्छी तरह से क्रीमी। इस बोल को साइड को रख दीजिए और दूसरी बोल में लीजिए 1 कप गेहूं का आटा। आपको चाहिए तो मैदा भी ले सकते हो, और उसी के साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें। इसको अच्छी तरह से छाने और साइड रखें। अभी एक मिक्सी पॉट में 15 से 20 पुदीना के पत्ते लें, इसको ड्राई ग्राइंड करें और केक की बेस का जो मिश्रण है उसमें हम डालें, यानी जो अभी दही वो फेटा था ना उसमें ये डाल के फेटेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी जो हमने आटे छाने थे वो 3-4 टेबलस्पून डाल के कट एंड फोल्ड की मेथड से धीरे धीरे लाइटली घुमाएं विदाउट एनी लम्प्स। धीरे धीरे करके सब जो आटा है वो इसमें डाल के कट एंड फोल्ड की मेथड से मैंने ये मिक्स किया है। अभी मुझे दूध जैसा चाहिए वैसे देख देख के डालूँगी, सारा दूध एक साथ ना डालें। केक का बैटर जैसे गाढ़ा होता है, ज़्यादा थिन नहीं ज़्यादा थिक नहीं, वैसे देख के दूध डालें। केक के बैटर को मिक्स करने से पहले मैंने एक डोसा पैन रख के ऐसे इस पे ये भगोना उल्टा रख दिया था और 10 मिनटों तक प्री हीट किया था विथ स्टैंड। जो ग्रीस किया हुआ टिन था अभी उसमें डालेंगे केक बैटर। देखिए केक बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, और बाद में इसको 3-4 बार टैप करें ताकि एयर पॉकेट्स रिलीज हो जाए। पैन हो गया है प्री हीट, अभी डालेंगे केक का भगोना और ऐसे भगोना उल्टा करके इसको हम लो फ्लेम पे 35-45 मिनट्स रखेंगे। मेरा केक 1 घंटे में बन गया था। टूथपिक डाल के या चाकू डाल के देख लें। चाकू क्लीन निकल के आया तो केक बेक हो गया है, और अगर कुछ स्टिकीनेस है तो और 5 मिनट करें। केक पूरा कूल हो जाने के बाद इसके बटर पेपर निकालिए और देखिए केक कितना स्पंजी बना है। केक का क्रीम चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे 1 मिर्ची, 1 बोल फुल पुदीना, 1 टीस्पून चाट मसाला और 2 टेबलस्पून पानी लेंगे, और अभी मिक्सी ग्राइंडर में ये सब डालेंगे। ये पहले ही करके ना रखें क्योंकि ये मिश्रण काला पड़ जाता है। अभी इसको ग्राइंड करें एक पेस्ट की फॉर्म में। केक क्रीम को वो चटपटा फ्लेवर देने के लिए ऐड करें पानीपुरी मसाला या चाट मसाला और मिक्स करें। अगर आपके पास केक राउंड टेबल नहीं है तो ऐसा जुगाड़ करें, एक भगोना लें और उस पर केक बोर्ड रखें। केक को मैंने 3 हिस्सों में कट किया है, अगर आपको चाहिए तो आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं। केक को
एक हिस्से में कट करके मैंने उस पे इमली और गुड़ का पानी अभी डाला था, दिखाना भूल गई मैं। और अभी व्हिपिंग क्रीम पे ऐसे सिर्फ 1 टीस्पून ही चटनी डालनी है, क्योंकि और 2 लेयर्स पे चटनी डालनी है हमें। और फिर बाद में ऊपर से ऐसे ड्रिजल करनी है चटनी, और उस पे डालेंगे महीन कटी हुई सेव, वो पानी पूरी वाला फ्लेवर देने के लिए। अभी केक का दूसरा लेयर रखेंगे और उस पे ड्रिजल करेंगे इमली और गुड़ का पानी। अगर एजेस सख्त हो गए हो तो वहाँ पे ज़्यादा ड्रिजल करें। अभी इस पे फिर से व्हिपिंग क्रीम डाल के हरी चटनी थोड़ी डालिए और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। अच्छी तरह से इवनली इसको स्प्रेड कीजिए और बाद में इस पे पानी पूरी का जो क्रश होता है वो डाल दीजिए। ये केक मानिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनता है। फिर से हरी चटनी डालनी है और तीसरा आखिरी लेयर इस पे डाल के फिर से स्वीट सिरप जो है वो फिर से ड्रिजल करें। तीसरे लेयर पे भी व्हिपिंग क्रीम चटनी डाल के अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करें। इस तरह से मैंने सारे केक पे क्रीम इवनली स्प्रेड कर दी है। केक को डेकोरेट कैसे करें अगर आपको देखना है क्रीम इवनली स्प्रेड कैसे करें, तो मेरा चॉकलेट केक का जो रेसिपी है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे सेव, बूंदी, पुदीना के पत्ते पूरी से मैंने डेकोरेट किया है। ये केक बहुत ही सुंदर बनता है फ्रेंड्स। केक हो गया है डेकोरेट, अभी थोड़ी कटिंग सेरेमनी की जाए। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये केक और टेस्ट में भी बहुत ही सुंदर होता है, एक बार अवश्य बनाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक आप ज़रूर ट्राई करोगे और इसके चटपटे फ्लेवर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी लाइक हुई तो थम्सअप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें।